Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. आनंद एल राय करने वाले हैं अपना OTT डेब्यू. तनुवेड्स मनु डायरेक्टर आनंद एल राय जी ने आज कंफर्म किया कि वो अपना OTT डेब्यू करने वाले हैं इस साल एक लव एंड ड्रामा रिलेटेड वेब सीरीज से, एंड आने वाले दिनों में वो इसकी और डिटेल्स भी रिवील करेंगे. सतीश कौशिक जी की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया इस एक्टर ने. आज सतीश कौशिक जी की पहली डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए उनके बेस्ट फ्रेंड अनुपम खेर ने लिखा कि वो सतीश जी की जोक्स और उनकी सिली बातों को आज भी मिस करते हैं. बॉलीवुड में नहीं है यूनिटी, कहा इस एक्टर ने. अपने वेब सीरीज शो टाइम को प्रमोट करते दौरान इमरान हाशमी ने कहा कि बॉलीवुड में यूनिटी की कमी है और लोग अक्सर एक दूसरे का साथ नहीं देते इस इंडस्ट्री में. बेटी की फिल्म पर सुनील शेट्टी का रिएक्शन. आज अनाउंस हुई अहान शेट्टी की फिल्म संकेत, जिस पर रिएक्ट करते हुए सुनील शेट्टी ने लिखा कि वो अपने बेटे पर काफी प्राउड है. रामचरण ने दिया अपनी माँ को एक स्पेशल सरप्राइज. आज रामचरण की वाइफ उपासना ने एक वीडियो शेयर की अपने सोशल मीडिया पर और बताया कि राम ने कल वुमेन्स डे के अवसर पर अपनी मां के लिए पनीर टिक्का बनाया. अपने डिवोर्स की कौन सी बात से निराश है मलाइका अरोरा. मलाइका ने आज रिवील किया कि वो डिस्कस में थी जब उनके और अरबाज के डिवोर्स के बाद लोगों ने समझा कि उन्हें अच्छी खासी एलिमनी दी गई. मिस वर्ल्ड फिनाले की जजेस है ये दो एक्ट्रेसेस. आज मिस वर्ल्ड फिनाले में जजेस है हीरोइंस कृति सैनन और पूजा हेगड़े, जिन्होंने काफी स्टनिंग लुक्स के साथ रेड कार्पेट पे एंट्री ली. टाइगर ने किया अक्षय कुमार को प्रैंक. आज टाइगर ने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर की जिसमें वो अपने बड़े मियां छोटे मियां को स्टार अक्षय को चैलेंज करते हैं स्विमिंग रेस के लिए. अक्षय अग्री करके पूल में कूद जाते हैं और टाइगर बाग के एंड में पूल में कूदते हैं और जीत जाते हैं. यश की टॉक्सिक लुक हुई रिवील. एक रीसेंट इवेंट पे KGF स्टार यश पहुंचे टर्बन में, जिसकी पिक्स आज वायरल हुई और फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये उनकी फिल्म टॉक्सिक का लुक है. क्या विजय सेतुपति हुए रामायण से बाहर. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमन बवेजा को अप्रोच किया गया है नितेश तिवारी की रामायण में विभीषण का रोल प्ले करने के लिए, जो इनिशियली विजय सेतुपति करने वाले थे. बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.